हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा हीट रेट, टरबाइन हीट रेट। टरबाइन हीट रेट क्या होता है, बॉयलर एफिशिएंसी क्या होती है, ग्रॉस हीट रेट क्या होता है, नेट हीट रेट क्या होता है, उसके रिलेटेड आज का हमारा न्यूमेरिकल रहेगा और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको आज हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि किसी भी प्लांट में प्लांट हीट रेट, ग्रॉस हीट रेट, नेट हीट रेट और बॉयलर एफिशिएंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट को स्मूथ और इफिशियंट रन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आज जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, हीट रेस किसी भी प्लांट में अगर बढ़ रहा है तो आपको समझ जाइए सीधा सीधा क्या होगा, आपका बॉयलर एफिशिएंसी डाउन हो रही है, क्योंकि हीट रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, बॉयलर एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, हमको बॉयलर एफिशिएंसी पता है, बॉयलर आउटपुट क्या रहता है हमारा, स्टीम जनरेशन, और बढ़ते इनपुट, इनपुट क्या होता है, फ्यूल कंजक्शन, जिसको हम बॉयलर एफिशिएंसी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हीट रेट अगर बढ़ गया तो मतलब बॉयलर एफिशिएंसी डाउन हो गया, क्योंकि हमको हीट रेट क्या बोलता है, सिंपल सा हीट रेट का फॉर्मूला क्या लिखा, किलो जूल पर किलो वाट आवर्स, सिंपल सा लिखा हुआ फ्रेंड। तो हम लोग समझिए कि एक किलो वाट, मतलब किलो वाट आवर जनरेट करने के लिए हमको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर हमको एक यूनिट के लिए, सिंपल से सपोज आपको एक यूनिट जनरेट करने के लिए कितना, एक किलो वाट जनरेट करने के लिए बाई चांस हमको 5 किलो कैलोरी लग रहा है, एज्यूम किए हैं फ्रेंड ना, अगर वो अगर हमको अगर 1 किलो वाट आवर जनरेट के लिए अगर 6 किलोरी करने लग गया तो अपना क्या हुआ, हीट रेट यहाँ बढ़ गया है। ठीक है, सिंपल से यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा, बॉयलर एफिशिएंसी डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट अपने को क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है पर्टिकुलर यूनिट जनरेशन, इसलिए बोला गया है कि हीट रेट डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉयलर एफिशिएंसी से है। इसलिए अपने को 1 किलोवाट जनरेशन के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट रेट बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्बाइन का हम लोग क्या है, ग्रॉस हीट रेट क्या होता है और नेट हीट रेट क्या होता है। ग्रॉस हीट रेट जैसे हमारा, मेरा यूनिट है 360 का, अगर उसको मैं क्या करता हूँ, किसी चीज़ से माइनस नहीं करता, ठीक है, तो अपना ग्रॉस हीट रेट कितना 360 जनरेट करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो हमारा ग्रॉस हीट रेट होगा। बट अब इसमें बट क्यों लगाया, क्योंकि अगर हमको 360 जनरेट कर रहा हूँ तो अगर मैं उसमें बीएफपी में जो मतलब पावर कंज्यूम हो रहा है, पर्टिकुलर जनरेशन में जो पावर कंज्यूम हो रहा है, अगर उसको मैं माइनस करता हूँ तो हमारा टोटल जनरेशन कितना आ जाएगा, अगर होम लोड को माइनस कर देता हूँ तो अप्रॉक्स 330 के आसपास आ जाता है फ्रेंड। मैं 30 मेगावाट को मैं क्या कह रहा हूँ, होम लोड ले लिया, एक्चुअल जनरेशन तो मेरा प्लांट क्या कह रहा है, 360 करता है, बट हमको नेट यूटिलाइजेशन कितना होता है जो ग्रिड में भेज सकता हूँ, ओनली फॉर 330 मेगावाट। तो अपना नेट हीट रेट, मतलब नेट अपना हीट रेट कितने में कैलकुलेट हो जाएगा, 360 पे होगा फ्रेंड। और ग्रॉस की बात करूँगा तो 360 मेगावाट पे होगा फ्रेंड। मैं कैसे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, हीट रेट क्या होता है, आपका 1 किलोवाट आवर जनरेट के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड हीट रेट। ये डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, उन्हें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉयलर एफिशिएंसी के। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा बॉयलर एफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ेगा तो हीट रेट हमारा डाउन होगा, अगर हीट रेट बढ़ेगा तो हमारा बॉयलर एफिशिएंसी डाउन होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अपना हीट रेट 2 टाइप्स का होता है, ग्रॉस हीट रेट और नेट हीट रेट। ठीक है फ्रेंड, ग्रॉस हीट रेट में क्या करते हैं, हम लोग टोटल पावर जनरेशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और नेट हीट रेट में क्या करते हैं, टोटल पावर जनरेशन में क्या करते हैं, पर्टिकुलर जहाँ पर हमारा बीएफपी पे कर या होम लोड में है उसको हम लोग माइनस करके निकालते हैं, तो उसको हम लोग नेट हीट रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, मेरे यहाँ का जैसे 360 का मेगावाट है फ्रेंड, तो उसमें क्या है, सीआरएस भी है, तो यहाँ पर जो मैं ग्रॉस हीट रेट निकाल रहा हूँ तो उसमें सीआरएस का फ्लो के साथ निकाल रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया हूँ, एमएस, यहाँ मेन स्टीम फ्लो डिवाइड बाय 531 अपना टेम्परेचर है और 120 वर्किंग प्रेशर है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको डायरेक्ट वॉल पेज दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से एक एंथैल्पी लिया हूँ और फीड वाटर का एंथैल्पी लिया हूँ, उसको माइनस किया हूँ फ्रेंड। यहाँ पर हमारा सीआरएस का, वहाँ से आउटलेट को सीआरएस बोला जाता है, उसका प्रेशर कितना होता है, 30 kSC होता है, उसका टेम्परेचर 336 होता है फ्रेंड। वहाँ पर से एक एंथैल्पी निकालना और अपना इनलेट, अपना जो आईपी टर्बाइन होता है उसका प्रेशर 34 kSC रहता है और टेम्परेचर 541 होता है, उसका लिया फ्रेंड। ठीक है, टेंशन हमारे यहाँ पास 0 है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर अपना HRS और माइनस CRS किया हूँ, वो 0 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि हमारे टेंशन CRS में नहीं, ना के बराबर होता है, 0 ही एग्जूम करो। ठीक है फ्रेंड, तो उस सबको डाटा डालने पर टोटल जनरेशन अपना 360 मेगावाट का है, तो उसको डाटा डाला तो अपना कितना आया, हीट रेट 2150 किलो कैलोरी पर किलो वाट आवर्स है, ये हमारा टोटल ग्रॉस
हीट रेट है फ्रेंड। अब नेट हीट रेट में क्या किया, बी एफ पी का पावर को मात्र माइनस किया है, तो अपना नेट हीट रेट कितना आ जाएगा 2190 किलो कैलोरी पर किलो वाट आवर से फ्रेंड। ठीक है, होप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हीट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है बड़े प्लांटों में। ठीक है फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।